और एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन पर आके शिकायत का बयान आया है। क्या कुछ बयान है वो हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर है, अभी नहीं खुलेंगे दिल्ली के बॉर्डर, ये टिकैत की तरफ से कहा गया है। थोड़ी देर में होगी किसान संगठनों की बैठक, एमएसपी और अन्य मसलों पर भी हो सकती है बातचीत। और कानून वापस अगर पहले होता तो 700 किसान नहीं मरते, तो ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, लगातार अपडेट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एमएसपी और अन्य मसलों पर भी होगी बातचीत, ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। राकेश टिकैत जिन्होंने ये अपनी बात रखी है, उनका बयान आया है, अभी नहीं खुलेंगे दिल्ली के बॉर्डर, थोड़ी देर में होगी किसान संगठनों की बैठक। अभी तो बातचीत करेंगे ना, यहाँ से कैसे जाएंगे? कल बहुत से कानून हाउस में हैं, उनको फिर ये लागू करेंगे, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसानों को होता है, क्योंकि 11 महीने से 750 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। और अगर सरकार पहले इस पर काम कर लेती तो हो सकता था कि कुछ लोगों की कम डेथ होती। अभी तो बातचीत करेंगे ना, यहाँ से कैसे जाएंगे? कल बहुत से कानून हाउस में हैं, उनको फिर ये लागू करेंगे, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसान को होता है, क्योंकि 11 महीने से 750 से ज्यादा लोग शहीद हुए। तो कानून अगर पहले वापस होता तो 700 किसान की जान बच जाती, ये कहना है राकेश टिकैत साहब का, जो कि अभी संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी थोड़ी देर बाद, और उसके बाद उस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है ये हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और रमन मेरे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके साथ पवन खटाना जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। रमन, अभी वहां पर किस तरह की तस्वीर है, क्या कुछ माहौल है वो बताइए, और पवन खटाना से एक बार बात जरूर करें कि आखिर क्या कुछ रणनीति है। बिल्कुल, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे मैं हूँ और यहाँ पर किसान संगठन से, भारतीय किसान यूनियन संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच गए, पवन खटाना जी जो लगातार शुरुआत से इस आंदोलन से जुड़े रहे। पवन खटाना जी, कितने कदम आगे बढ़े अभी? अभी सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री महोदय जी ने कल एक पहल की है वो वाकई स्वागत योग्य पहल है, लेकिन देश का किसान संतुष्ट नहीं है। हमारी जो बड़ी लड़ाई आज से नहीं 70 साल से चल रही है कि एमएसपी जो फसलों का वाजिब मूल्य है उस पर खरीदारी सुनिश्चित हो और एमएसपी भी C2+50 पर हो, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है, कोई उस पर भाषण नहीं है, तो कैसे माना जाए कि देश के किसान के हित में कोई निर्णय लिया? जितने भी पोस्टर आपके यहाँ लगे उसमें लिखा हुआ है काले कानून वापस हो तभी घर वापसी होगी, तो घर वापसी होगी कि नहीं, कानून तो वापस हो गए? ये एक किस्सा ये बन गया कि हम पिछले 70 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें एक जो रास्ते खराब है इसे टाइट सही कर दो भाई। सरकार आई और सरकार ने उस रास्ते पे पत्थर लगा दिया कि बंद कर दिया जी। अब हमने कहा भाई अब तो तुमने बिल्कुल ही बेकार कर दिया, अब तो हम निकलने बढ़ने लायक भी नहीं रहे। बोले जी पत्थर हटा दिया, अब आप ऐसे ही चलो, मतलब उसी गड्ढे में गिरेंगे मरेंगे क्या? हम अपनी फसल के वाजिब मूल्य नहीं मांग सकते, दोबारा आएंगे क्या आंदोलन करने के लिए? आप अभी यहाँ रहेंगे, मतलब अभी यहाँ से टेंट तंबू नहीं हटने वाले? नहीं, आप एक बात बता दो कि एक साल से हम यहाँ पर लगातार बैठे हैं और तभी भी देश का किसान आज भी धान को एमएसपी पे नहीं बेच पा रहा, गेहूं को एमएसपी पे नहीं बेच पा रहा, गन्ने का पेमेंट 14 दिन में नहीं हो पा रहा, 12,000 करोड़ आज भी उत्तर प्रदेश में। यही तो मुद्दा था, ये एमएसपी तो सबसे बड़ा मुद्दा था जब हम वहां से चले थे मुजफ्फरनगर से, तो वहां पर यही मुद्दा था कि एमएसपी हो, लेकिन ये फिर बाद में आप ही की वजह से सारे तीन कानून वापस लेना बड़ा मुद्दा बनता चला गया, जो एमएसपी मुद्दा था आपका, जो ट्रैक्टर का मुद्दा था, जो आपका बिजली का मुद्दा था, जो गन्ना किसानों की कीमत का मुद्दा, ये सब पीछे छूट गए कहीं। अब उन्होंने कहा ये लीजिए जाइए वापस। ये सरकार की सोची समझी रणनीति है ना, इसी फंस गए उसमें। इसी को तो हम कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, जो चीज अपनी तरफ से रख दी उसको हटा दिया, बस किस्सा खत्म। अरे जो हम 70 साल से मांग रहे वो कहां रह गया हमारा? रमन, हमारी 70 साल से डिमांड थी फसलों को। यहां पर खटाना साहब की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है
कि आने वाले वक्त में यहाँ पर ये बॉर्डर जो है इतनी जल्दी आसानी से खुलने वाले नहीं है। ठीक है रमन, आप रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। और कृषि कानून को सरकार ने वापस ले लिया है और किसानों की वो मांग सरकार ने पूरी कर दी है जिसे लेकर वो पिछले एक साल से जद्दोजहद कर रहे थे। सरकार ने अन्नदाता की सुन ली है, अब देखना होगा कि किसान कब आंदोलन वापस लेने का ऐलान करते हैं। और इस बीच आज किसानों की बैठक है जिस पर पूरे देश की नजर होगी, लेकिन दूसरी ओर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है, वो सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी का ऐलान विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। छह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती चली गई हैं। रमन, जो बात अभी यहाँ पर आप खटारा साहब से कर रहे थे, एक बार उस बात को आगे बढ़ाइए कि भाई कृषि कानून बिल को जो है यहाँ रद्द करने की मांग की जा रही थी, लेकिन अगर अब और भी सारी मांगे आ गई हैं, उनको जब वो जब तक पूरी नहीं होंगी ये नहीं हटेंगे क्या, तो ये मसला हल कैसे होगा? दिल्ली के बॉर्डर खाली कब होंगे? खटारा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आंदोलन तब चलता है जब उसे जन समर्थन मिलता है। आपको लगता है कि जन समर्थन मिला, सरकार झुकी, आपकी ये मांगे मान ली, लेकिन जनता को परेशानी भी है। तो ये अगर बात बढ़ती जाएगी तो ये बॉर्डर कब खाली होने वाले? जितनी भी जनता का सहयोग हमारे साथ रहा, उसे बस एक ही दर्द था कि वो शाम को या सुबह ऑफिस टाइम में या अपने घर पहुंचने में 1 से 2 घंटे लेट हो जाता था, जाम में फंस जाता था। वो 2 घंटे फंसने पर इतना पीड़ित हो सकता है, इतना दर्द हो सकता है। हम 12 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें कितना दर्द होता होगा? हम अपने परिवार को छोड़ करके रोड पर बैठे हैं, किसी को क्या अच्छा लगता है? हम ये कह रहे चाहते हैं कि क्या आंदोलन फिर करना पड़ेगा हमें? सरकार ये बताया कि ये आंदोलन बस ये हो गया, अब आप 1 साल बाद आपको लग रहा है कि क्या आपका आंदोलन डिरेल हो गया था, जो मुख्य मांगे थी वो कहीं पीछे छूट गई थी? नहीं, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने आप लोगों को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया? ऐसा नहीं है, जो 12 दौर की वार्ता हुई उसमें 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी, आपको भी जानकारी होगी। उसमें उन्होंने पराली वाला मुद्दा और ये ट्रैक्टर वाला मुद्दा था, इस पर उन्होंने कह दिया ठीक है हम इनको मान लेते हैं। लेकिन खटारा जी, जानना चाहता हूँ कि जो हट धर्मिता शुरू हुई वो यहीं से हुई, जब बातचीत हो रही थी आप लोग भी उस बैठक में जाते थे, विज्ञान भवन में आप लोग पहुंचते थे, मुद्दों पर सहमति बननी तय हुई, लेकिन वहां पर यह बोल दिया गया कि जब तक कानून वापस नहीं बातचीत नहीं, ये हुआ था? ऐसा नहीं है, वो अंदर की मिनट्स वो जारी कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि 4 पॉइंट लेकर के गए, उन्होंने कहा 2 पे पहले बात कर लो भाई, 2 पर उन्होंने सहमति बना दी, बोले जी अब MSP पे बात करो, नहीं MSP पे नहीं करेंगे, अब आप कानूनों पे बात कीजिए। कानूनों पे बातचीत हुई, उन्होंने ये माना कि कानूनों में गलतियां हैं और गलतियां भी बड़े स्तर पर हैं। हमने उन्होंने माना कि इसमें 15 पॉइंट वाकई गलत हैं। अब वापिस तो हो गए कानून सर, अब तो बात खत्म होगी? तो नहीं, MSP तो फिर रह गया, तो बातचीत होगी ना, बातचीत से हल निकलेगा, फिर अब बॉर्डर रोकने से क्या होगा? बातचीत कहां से होगी, घर से आएंगे, किससे करेंगे आप बता दो हमें भाई। न्यूज इंडिया के टीवी चैनल पर बैठ के बातचीत होती हो तो वहां बुलवा लो सरकार को, हम तो वहां भी बैठ के बात कर लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कोई जगह होगी, कोई सरकार होगी, कोई उसकी कमेटी होगी, क्या है वो, कौन होंगे, या टीवी चैनल पर आकर के बोल दिया भाई हमने वापसी ले ली आप जाइए, तो क्या फिर सारे जो 70 साल के आंदोलन थे वो सिर्फ इसी पर थे कि ये कानून आएगा कानून चला जाएगा? आपने मुझे ये तस्वीर दिखाई अभी खटाना जी ने कि 2018 में आप लोग यहाँ पे आए थे गाजीपुर बॉर्डर पे, आपने मांगों के साथ यहाँ पर आंदोलन किया, बाबा टिकैत भी आए थे और बोर्ड प्लॉट पर मांगे हुई थी, 31 मांगे थी, 15 मान ली गई थी, वो वापस चले गए थे, उन्होंने जनता की परेशानी को समझा। बातचीत चलती रहेगी, सरकार से भी आपकी मांगे आपकी जो भी है वो आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन अब यहाँ बॉर्डर खाली करके क्या जो दिल्ली को बंधक बनाया गया है वो खत्म होगा? हम नहीं चाहते दिल्ली को बंधक बनाए, लेकिन हम देश की जनता से फिर एक बार अपील करते हैं, जिस तरीका से उन्होंने आज तक किसान आंदोलन का सहयोग किया है, हम बार बार नहीं आ सकते, हमारे भी अपने परिवार हैं, वहाँ से आने में और जाने में बड़ी परेशानियाँ होती हैं, लोग हमसे फंडिंग तक की बात करते हैं, हमें पता है कि हम कैसे कैसे अपने घर से अनाज दाल चावल और उस पर अपना यहाँ पर समय काटते हैं, तो फिर दोबारा से नहीं आए, इसलिए हमें थोड़ा सा और समय दें और 20 दिन से या 1 महीने के अंदर अंदर हमें ये लगता है कि अब शुभ संकेत हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके बीच में आए हैं, MSP पर कानून बना देंगे, एक कमेटी नियुक्त हो जाएगी, हम वापस अपने घर चले जाएंगे और आगे बातचीत जारी रहेंगे। तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज अब आपका रिएक्शन ले रही हैं, इस आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, इसका हिस्सा बता रही हैं कि हम इसका हिस्सा थे। क्या किसान यूनियन ये मान रही है कि बाकी संगठनों ने भी आपकी मदद की और इस आंदोलन में सपोर्ट किया? जब BJP विपक्ष में थी
वो भी आंदोलन में जाती थी, मंच भी साझा करती थी, लेकिन ये एक साल का ऐसा आंदोलन है कि इसमें कोई विपक्षी किसी मंच पे साझा नहीं किया। विपक्ष का अपना धर्म है, अपना सर है। खटाना जी, यहीं पे जयंत चौधरी भी आए, यहीं पे ममता बनर्जी भी आई, यहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता भी आए, वहाँ पे सिंघू बॉर्डर में सुरजेवाला भी पहुंचे, तो तमाम तरह के अपने अपने टिकैत साहब तो हमें नंदीग्राम में भी मिले थे उस टाइम बंगाल चुनाव में। तो ये जो पॉलिटिकल कोलिबेशन था या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को आप चुनाव में वोट न देने की बात करते हैं, तो ये रंग कहाँ से आया है चुनाव में? देखो, यहाँ कौन आएगा और किससे मना कर देंगे? यहाँ तो बीजेपी के लोग भी आते हैं जो ये कहते हैं कि जी हम बोल नहीं पाएंगे और हम पर देख के पीछे से आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मंच पर कोई नहीं गया। बिल्कुल रमन, मंच पे जाना एक बड़ा विषय। प्रियंका गांधी ना ने हमारी वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में किसानों की जीत के तौर पर इसे मनाया जाएगा। हमारे किसान है आपस में। और नीरज हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, मेरे साथ लाइव, उनसे भी बात करेंगे। नीरज, ये जो कल हुआ है, प्रधानमंत्री सामने आए हैं, इसका कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए, दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक, ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये मजबूरी है? उत्तर प्रदेश में इसको कैसे देखा जा रहा है? जी देखिए, हम इस समय राजधानी लखनऊ में खड़े हैं और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, जो मांग जो यहाँ पे किसान थे वो काफ़ी समय से, यानी करीब एक साल से कर रहे थे। हमारे साथ ये तमाम किसान भी खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। और रही बात मास्टर स्ट्रोक की, तो इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है और साथ ही साथ जो किसानों की जीत है उस दृष्टि से भी देखा जा रहा है, यानी कि जो विपक्ष है इसे किसानों की दृष्टि से देख रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी है उसे एक ये मास्टर स्ट्रोक की तौर से देख रहे हैं। हमारे साथ तमाम किसान हैं, हम बात करेंगे जो पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे थे। सर, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून जिसको लेकर आप लोग लगातार मांग कर रहे थे वो वापस लिया है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि जो तीन काले कानून किसानों के लिए इस सरकार के द्वारा थोपे गए थे, एक साल पहले से हमारा आंदोलन चल रहा, प्रधानमंत्री जी ने जो कल घोषणा की है इसको वापस करने की, इनको ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमारे 700 से 800 किसान धरना देते हुए वहाँ शहीद हुए हैं, अपना बलिदान दिया है, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम इनकी ये समझदारी तब समझते जब हमारा आंदोलन चल रहा था और इनको ये कानून वापस ले लेने चाहिए थे, काफी देर। ठीक है, ठीक है नीरज, रहिए आप हमारे साथ, आगे आपके पास आएंगे। कृष्णा वीर चौधरी एक किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। कृष्णा वीर चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। कृष्णा वीर चौधरी, कैसे देखते हैं अब इस पूरे फैसले को जो प्रधानमंत्री ने कल बोला है, और आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी, थोड़ा खुलासा करें। ये तीन कानून जो बनाए गए थे बाजार को खोलने के लिए, पिछले 25 सालों से मांग चल रही थी, तो ये तो बहुत साफ बात है कि कानूनों में सुधार की आवश्यकता थी और उस सुधार का जो विरोध किया जा रहा था इसके पीछे शुद्ध रूप से राजनीति थी या सिर्फ किसानों के लिए कहा जा रहा था? ये सवाल देश के किसानों को, गरीब किसानों की तरफ से है जिनका आज तक बाजार की ताकतों ने शोषण किया और इस देश में इन्हीं बाजार की ताकतों से, अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि 700 किसान जो यहाँ शहीद हो गए जी, मैं कह रहा हूँ 4 लाख किसानों ने इस देश में आत्महत्याएं भी की इन्हीं बाजार की ताकतों के। आज बड़ी बात यह है कि जो परिस्थितियां और जो कानून व्यवस्थाएं बाजार की जिससे किसानों को अलग रखा गया था जी, अगर वो इतनी अच्छी होती जी तो क्या इस देश का किसान की दुर्गति होती जो आज हो रही? उन परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता थी क्या? आज मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जी, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुधारों के प्रयास नहीं किए? आज मेरा सवाल देश के कृषि मंत्री शरद पवार जी से, क्या आपने बाजार खोलने के लिए, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, इस देश तमाम प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज क्या आप? कृष्णा वीर चौधरी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आप सवाल कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से, आप सवाल कर रहे हैं वहां जी।
बोलिए। मैं सवाल जो कर रहा हूं वो देश के तरफ से ये कर रहा हूं कि इन सुधारों की आवश्यकता अगर नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, और आज जो सरकार ने किया वो नहीं मांगो। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह टिकैत 27 सालों तक अपने जीवन भर इन बाजार की ताकतों के शोषण के खिलाफ लड़ते रहे, और उनकी बराबर सरकार में हर बार यही बात थी कि हमारा बिचौलियों से शोषण से मुक्ति दिलवाए सरकार। मेरा सवाल ये है कि जब ये अध्यादेश लाए तो किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानूनों का स्वागत किया था सवाल। खैर, आज सवाल ये कि जो परिस्थितियां राष्ट्र के सामने इंटेलिजेंस एजेंसी ने रखी है सरकार की, और जो घटना 26 जनवरी इस देश में जी, क्या इस देश को दोबारा से हिंसा में झोंकना और संसद सत्र में इस तरीके से फिर दोबारा से इसी तरीके की घटनाओं को पुनरावर्तन करना क्या राष्ट्र होता? बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपसे एक बात, आपसे दूसरी बात कह रहा हूं जी, कि मैं तमाम शुरू से लेके और आज तमाम जो भी सूचनाएं रही, मैंने देश के सामने बराबर कहा है देश के अंदर देश विरोधी ताकतें पूरी तरीके से नाम किसानों का है इसके सरकार और संवेदनशील को दिल्ली पुलिस की जरूरत दिखाई, चार जवान घायल हुए, किसी ने एक लाठी। ठीक है, रमन जी के पास चलते हैं, आप रहिए कृष्णवीर चौधरी जी। रमन देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि अगर इतिहास लिखा जाएगा कि यहाँ पर ये कानून वापस हुए हैं तो इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि 26 जनवरी को लाल किले पर क्या हुआ उसका भी जवाब देना पड़ेगा, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर क्या तांडव मचा उसका भी जवाब देना पड़ेगा। रमन बिल्कुल, पवन खटाना जी देखिए, सवाल ये है कि अभी कानून वापस हो गए हैं लेकिन जो पूरा का पूरा हमने देखा कि 12 महीने ये कानून आपका आंदोलन चला, लेकिन कई पहलू इसमें ऐसे निकल कर आए जो कि शायद नहीं होने चाहिए थे, चाहे 26 जनवरी की बात करें या फिर निहंगों के द्वारा जो हत्या सिंगू बॉर्डर पर की गई निशंस हत्या वो थी, तो इस तरह की चीज़ों से बदला जा सकता था, बचा जा सकता था। 26 जनवरी पर ऐसा क्या हो गया था? 26 जनवरी पर सरकार का प्री प्लानिंग एक ये कार्य था, हमको जो रोड दिए गए, जो रास्ते दिए गए, वो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, और जिन रास्ते सीधे उस पर जाते हो लाल किले पर, वो रास्ते खोल दिए गए। खटाना जी, टीकरी बॉर्डर पर, अगर गाजीपुर बॉर्डर को मैं छोड़ भी दूं, यहाँ पे राकेश टिकैत जी मौजूद थे, लेकिन टीकरी बॉर्डर पे जो रास्ता बंद था उसी पर किसान अपने ट्रैक्टर लेके घुसते हुए नजर आए, अगर आप उन्हें किसान कहना चाहें तो। देखो, हम तो सबको किसान ही कहते हैं और सबको मजदूर कहते हैं, हम तो उनको भी किसान और मजदूर कहते हैं जो हमको ये कहते हैं कि आप एसी में बैठे हो। ठीक है, ठीक है, रमन रहिए आप हमारे साथ। नीरज लखनऊ से मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, अभी वहां पर जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो तो ठीक है, अभी कह रहे हैं कि यार इतना समय पहले अगर वो कर देते तो 700 लोग ना मरते, लेकिन अब तो ठीक है ना, खुशी की बात है, जिसका वो विरोध कर रहे थे, एक साल से लड़ाई कर रहे थे, मान लिया सरकार ने, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये तमाम किसान हैं जो पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे थे, और हम इनसे खुद जानेंगे कि क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री जी ने कल ये वापस कर लिया पूरा कानून, तो क्या अब अपना आंदोलन आप खत्म करेंगे? देखिए, अभी तो केवल घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने, और जो इन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, अभी संसद में ये कानून रद्द करने का संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करें और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएं, बिजली की दरों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसको कम किया जाए, तमाम किसान समस्याओं के लेकर खाद बीज की समस्या, गन्ना भुगतान की समस्या, गन्ना मूल्य में जो वृद्धि नहीं हो रही है उसको वृद्धि किया जाए, और तमाम किसान समस्याओं पर हमारे किसान नेताओं से, किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से सरकार की वार्ता होनी है, और जब उस पर सहमत बनेगी तब जैसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा तब जाकर के उसका पालन किया जाएगा। देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कि इस आंदोलन में लगातार रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल इस जो आप लोगों की मांग थी तीन कानूनों को लेकर, उसे फिलहाल उन्होंने खत्म करने की घोषणा की, माफ़ी मांगी,
अब आपका आंदोलन क्या यहाँ पे खत्म होता है या कोई और भी मांग आगे इस तरह की जारी रहेगी? अभी खत्म कैसे होगा, और ये फैसला लेने में उनको बहुत देर कर दी। हमारे 1400-1500 किसान शहीद हो गए, ठीक, और उसके बाद में ये अब निर्णय लिया है। अभी किसान का कोई भरोसा नहीं है, तेल कितना, पेट्रोल कितना वापस लिया है कानून इसको, तो क्या इस पर खुशी नहीं है आपको? अभी कोई खुशी नहीं है, अभी कोई खुशी नहीं, इसलिए क्योंकि आपकी मांग तो तीन कानून था, उसके पीछे छोटे मोटे किसान जो है वो तेल कितना बढ़ोतरी, गैस कितना बढ़ोतरी, ये छोटा किसान क्या मर जाए भाई? सारी मांगे तो हैं, अभी किसान जो है सहमत नहीं है। तो किसान अभी जो यहाँ पर आंदोलनरत हैं उनका कहना है कि वो भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी की बात पे भरोसा नहीं है जो आंदोलन आगे आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए, लगता तो यह है कि आज तक जितनी भी सरकारें बनी है इनसे ज़्यादा झूठा प्रधानमंत्री तो देश को मिला नहीं। हर जगह पर ये झूठ बोलते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री खुलेआम घोषणा कर रहा है कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। ठीक है नीरज, रहिए आप हमारे साथ। अभी किसान जो है वो संतुष्ट नहीं है, ऐसी आवाज निकलकर सामने आ रही है। जो तीन कानून थे उनको वापस लिया जरूर जा रहा है, लेकिन तमाम और भी बातें हैं जो कि निकलकर सामने आ रही है। किसानों ने अभी मन बना रखा है कि वो जगह खाली नहीं करेंगे। अगर दिल्ली बॉर्डर की हम बात करते हैं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं, सिंघू बॉर्डर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर यही फैसला लिया जा रहा है कि अभी यहाँ से वो नहीं हटेंगे। बहुत सारी और मांगे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ होगा।